हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ और मैं हूं अनुकृति। वी विल गिव यू ऑल बिग स्कूप ऑफ बॉलीवुड, बट राइट नाउ लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। चेक आउट हु प्रेज आलिया भट्ट, वॉच विच बी टाउन एक्टर हैज बॉन्डेड विद परिणीति चोपड़ा, एंड व्हाई डिड आमिर खान से सॉरी टू कमल हसन, और साथ ही बताएंगे कौन कौन आया फिल्म पीकू के ट्रेलर लॉन्च पे। रणबीर कपूर और ऋषि कपूर के बीच में आखिर रिश्ते कैसे हैं, इसका खुलासा आज हो गया है। ऋषि कपूर ने एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में रणबीर के साथ उनके रिश्ते पर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज की हमारी टॉप स्टोरी इन्हीं दो टॉप स्टार्स के रिश्ते पर है, टेक अ लुक। दो टॉप स्टार पिता पुत्र के बीच रिश्ते आखिर कैसे होते हैं? एक ही छत के नीचे रहने वाले दो मंझे हुए एक्टर्स के बीच में रिश्ते आखिर कैसे होते हैं? और जब बात रणबीर कपूर और ऋषि कपूर की आती है तो सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है कि इनके बीच में रिश्ते आखिर कैसे हैं? ऋषि कपूर के मीडिया में आए दिन होने वाले गुस्से को देखकर शायद ही किसी की हिम्मत हो कि वो ऋषि कपूर से इस तरह के सवाल पूछ सके। लेकिन एक टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने पहली बार अपना पिता वाला दिल खोलकर रख दिया है। ऋषि कपूर ने साफ साफ कह डाला है कि रणबीर और उनके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और इसके लिए रणबीर नहीं ऋषि कपूर खुद ही जिम्मेदार हैं। ऋषि ने बताया कि ऋषि के बचपन के मुकाबले रणबीर काफी वेल स्पोकन, वेल बिहेव्ड, पोलाइट, डाउन टू अर्थ, डिसेंट एंड कल्चर्ड हैं। रणबीर की इस तरह की ग्रूमिंग के लिए उन्होंने उनकी मां नीतू सिंह की तारीफ की है। बचपन के दिनों में ऋषि कपूर की उनके पिता राज कपूर से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऋषि ने खुलासा किया है कि वो अपने पिता का सम्मान करते थे, इसलिए उनके सामने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं किया करते थे। रणबीर भी ठीक वैसा ही करते हैं। जब रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ अलग रहने का फैसला किया तो ऋषि कपूर ने उनके इस फैसले का इसलिए सम्मान किया क्योंकि उनके घर में इन दोनों की प्राइवेसी के लिए उतनी जगह नहीं थी। ऋषि को अफसोस है कि उनके रिश्ते रणबीर से काफी खराब हो चुके हैं। अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि ना तो ऋषि और ना ही रणबीर अब खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। रणबीर का ऋषि और नीतू कपूर के साथ अब ना रहना उन दोनों के लिए ही बड़ा झटका है। लेकिन इस सबसे बिल्कुल अलग ऋषि ने इशारा किया है कि उनका नया बड़ा घर बन रहा है जिसमें इन सब के साथ रहने के लिए काफी बड़ी जगह है। उम्मीद है ये जगह पूरी फैमिली को फिर से एक साथ ले आएगी क्योंकि ऋषि कपूर को उम्मीद है कि उनके दिल की पुकार रणबीर के कानों तक जरूर पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रिसेंटली लॉन्च हुआ फिल्म पीकू का ट्रेलर एंड वी मेट स्टार्स अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण एंड इरफान खान इन अ कैंडिड मोड। चेक आउट दिस। कल शाम फिल्म पीकू का ट्रेलर लॉन्च किया गया जहां हमने स्पॉट किया फिल्म के लीड एक्टर्स अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, इरफान खान और फिल्म के डायरेक्टर शुजीत सिरकार को। इस फर्स्ट लुक लॉन्च की खास बात रही थिएटर में मौजूद ऑडियंसेस की जो ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ थी। दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशनल वीडियो में मीडिया इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स को भी इस खास मौके पर बुलाया था। फिल्म में दीपिका वैसे तो अमिताभ के साथ काम कर रही हैं, पर इवेंट पर मौजूद एक रिपोर्टर ने जब दीपिका से जानना चाहा कि हु अकॉर्डिंग टू हर इज द बेस्ट को स्टार, सीनियर और जूनियर बच्चन, तो कुछ यूं रहा दीपिका का जवाब। परिवार में आप लाज रख लेना बेटी, बाबा की लाज रख लेना प्लीज। लेट्स पुट इट दिस वे, आई थिंक अभिषेक मोर, एक्चुअली आई कैन इवन से दैट बिकॉज़ ही हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। आई वाज, व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज दैट अभिषेक मोर फन टू वर्क विद, बट आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम अमित जी।
But the reverse can happen also. I think they're just too talented. Father and son both. वेल थिएटर में तो फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला है एंड वी होप बॉक्स ऑफिस पर भी पीकू अपने मोशन से ऑडियंसेस के इमोशंस को टच करेगी बट वेल फॉर दैट वील हैव टू वेट फॉर द फिल्म टू रिलीज फॉर अभिषेक सिंह जूम मुंबई व्हेनेवर द इंडियन टीम प्लेज क्रिकेट पूनम पांडे इज इन द न्यूज वॉच व्हाट प्लान शी हैज फॉर दिस वर्ल्ड कप We all know that Poonam Pandey has tripped to support the Indian team. And even this time, the seductive lady is all set ready to do something unique to cheer Team India for the World Cup. Well, iske bare mein aap khud Poonam se jaan lijiye. Is World Cup ki promise, jaise ki maine aapko thodi der pehle wahan pe boli, 29th ko jab India World Cup jeeti hai to Helen ko leke, which is my next film, aur of course cricket ko leke, जो चीज़ें मैंने प्लान की है वो चीज़ मैं आपको सर्व करूंगी और आप ही मुझे बताइए कि चेक कर बताइएगा कैसा है जी हाँ पूनम पांडे टीम इंडिया को चीयर तो कर ही रही है साथ ही अपनी फिल्म का प्रमोशन भी और यहाँ पर हमसे बात करते हुए पूनम एक्सेप्टेड दैट इट्स वेरी इजी टू स्ट्रिप एंड गेन लाइमलाइट वेल कहीं ना कहीं ऑफकोर्स मैं ये बात मानती हूँ बिकॉज मैंने भी कोई ऐसी रास्ता चुना था और चुना पड़ता है बिकॉज जब आप किसी कपूर या खन्ना इसके फैमिली से नहीं होते हैं तो आपको इसी तरीके से ऊपर आना पड़ता है एंड देन स्टेज इज योर्स डू व्हाटएवर यू फील लाइक वेल पूनम आपके लिए ये सही साबित हुआ होगा पर अगर ऐसा कुछ आप अपनी फिल्मों में करेंगी तो शायद आपको फेस करना पड़ेगा सेंसर बोर्ड बैन बट पूनम के पास तो सेंसर बोर्ड के लिए भी जवाब तैयार है वेल आई वुड से सेंसर बोर्ड वर्ड इज ओनली रॉन्ग बिकॉज द वे दे हैव आई मीन आई हैव बीन रीडिंग द आर्टिकल्स Come on, I mean, it's 2015, grow up, you know, and everyone knows everything, there is everything on the internet, you know, aise nahi hota, doesn't work like that. Well, isi useless issue ke chalte, Bollywood is facing a lot of heat these days, but we hope ki is par jaldi koi sahi rasta nikal aaye. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. We met Lara Dutta at a promotional event where she gave away awards to some contest winners. Check this out. एक स्किन केयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर यामी गौतम को मिला था काफी फ्लैग सोशल मीडिया पर फॉर प्रमोटिंग फेयर स्किन और एड में ड्रामेटिकली स्किन कलर को एनहांस करने के लिए शायद इसीलिए लारा दत्ता इस ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ तो नहीं पर इनकी चैरिटी फाउंडेशन के साथ एसोसिएट हुई है where they encourage young women entrepreneurs by providing scholarships for higher education of young girls who are financially incapable of doing so but yet are extremely bright academically लारा दत्ता ने इन सिलेक्टेड लड़कियों को फेलिसिटेट किया और फर्दर एनकरेज किया इन देयर एंडेवर बाय हर शेयरिंग हर इंस्पिरेशनल लाइंस टू ओवरकम ट्रेमेंडस ऑड्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू फुलफिल एंड गेट दैट एजुकेशन विद 10 टू 12 इयर्स ऑफ बीइंग अ गुडविल एंबेसडर विद द यूनाइटेड नेशंस आई हैव ट्रैवलड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री And I've worked with some wonderful women's organizations on gender equality and empowerment of women. And I've heard the most incredible stories. There is no hardship that has not gone unheard. There is no obstacle that has not been overcome. And today I see some incredibly wonderful, young, fresh-faced, lovely ladies sitting in front of me. They all have smiles on their face. And the most important thing is that they all have a sense of a dream and a promise of tomorrow in their eyes. And it's so incredible to see that. That is young India. That is the reason that all of us are here today in this room. Lara Dutta ne pehle bhi gender equality ke liye apni awaaz uthai thi. And now, encouraging these young girls to achieve their dreams is indeed commendable. All we can say is keep up the good work, Lara. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Looks like B-Town girls are bonding and how? After Deepika kissed Anushka and Kangna praised Priyanka, it's Pariniti Chopra who is bonding with Alia Bhatt. Watch this. Looks like Alia Bhatt is turning into a counselor for Pariniti Chopra. Yes, you heard it right. Sources ki mane to Pariniti Chopra is going through a low phase aur unhone haal hi mein koi bhi film sign nahi ki hai aur iski ek badi wajah hai ki Ishak Zade ke baad Pariniti ki koi bhi badi hit film nahi aayi hai.
बॉक्स ऑफिस पर उनकी सारी फिल्मों को एवरेज ही रेट किया गया है। और अब कहा जा रहा है कि परिणीति की पब्लिसिस्ट ने उन्हें सलाह दी है कि ज्यादा मीडिया इंटरैक्शंस ना करें, और इसीलिए परिणीति चोपड़ा किल बिल के बाद किसी भी इवेंट पर नजर नहीं आई है। लेकिन इस दौरान परिणीति चोपड़ा हैज ग्रोन क्लोजर टू आलिया भट्ट एंड आलिया हैज बीन द रीजन, जिसकी वजह से परिणीति हैज बीन अपबीट। जी हां, आलिया भट्ट हैज बीन एडवाइजिंग हर ऑन हर फिल्म चॉइसेस एंड आल्सो जनरली हैंगिंग अराउंड विद हर बिकॉज़ परिणीति हैज बीन इन अ लो फेज। वेल, वी होप कि आलिया की कंपनी परिणीति के लिए फायदेमंद साबित हो। और इलेका श्रीवास्तव, आथापा, जूम, मुंबई। We attended the success party of Shahid's film Heather, and to our surprise, we saw the star himself right there. See yourself. Tuesday night, Mumbai saw the Heather team celebrating the success of 5 national award wins, and the whole team of Heather was present to cheer the filmmaker Vishal Bhardwaj except one, Shahid Kapoor. Well, Shahid media ke samne nazar nahi aaye. ऐसे में सबको लगा कि शाहिद यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जूम को अब सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहिद यहाँ अपनी टीम के साथ हैदर की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन मीडिया की नजरों से बच गए। दरअसल शाहिद कपूर की शादी की खबर हाल ही में मीडिया में आई है, ऐसे में शाहिद इस सक्सेस पार्टी में मीडिया को अवॉइड करना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी में बैकडोर से एंट्री मारी और मीडिया को उनकी मौजूदगी के बारे में पता नहीं चला। वैसे वी गॉट अ क्लिक ऑफ शाहिद फ्रॉम आउटसाइड हिज हाउस जस्ट एट द सेम टाइम व्हेन द पार्टी वाज ऑन इन जुहू। फोटोग्राफ में साफ दिख रहा है कि शाहिद कपूर अपने घर के आसपास ही है और शाहिद यहीं से पार्टी के लिए रवाना भी हुए थे, लेकिन पार्टी वेन्यू पर उन्होंने बैकडोर एंट्री मारी और फिर वहां से वापस भी चले गए। वेल, साफ है कि शाहिद कपूर अपनी शादी की न्यूज को और हवा नहीं देना चाहते। यही वजह है कि वो किसी भी हाल में मीडिया को फेस नहीं करना चाहते, और अब वो एटलीस्ट हैदर की पार्टी के दौरान मीडिया को चकमा देने में कामयाब हो गए। फॉरेलेका श्रीवास्तव, थापा, जूम, मुंबई। बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आमिर खान ने क्यों कमल हसन को कहा सॉरी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर स्पेशल सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स, लेट्स हैव अ लुक। एक्टर अभिषेक बच्चन ने भले ही कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, लेकिन उनका कहना है कि प्रोड्यूसर का जॉब इतना हेक्टिक होता है कि उन्हें प्रोड्यूसर बनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो फ्यूचर में कुछ और फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। एक्टर आमिर खान ने कमल हासन से पब्लिकली माफी मांगी है। आमिर खान का कहना है कि उन्होंने कमल हासन की फिल्म विश्व रूपम पर लगी बैन का विरोध नहीं किया था, जो कि बिल्कुल गलत है, और इसीलिए वो कमल हासन से माफी मांगते हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली कंगना रनौत के नेशनल अवार्ड जीतने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने कंगना को कॉल किया था और उन्होंने कंगना से पूरे आधे घंटे तक बात की। वह साफ है, कंगना और प्रियंका की दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली और टीम इंडिया को चीयर करने ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी हैं, और सोर्सेज की माने तो अनुष्का इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में चीयर करती हुई नजर आएंगी। वेल, वी हो अनुष्का की चीयर को देखकर विराट दे जबरदस्त परफॉर्मेंस। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा में उनके डैड शत्रुघ्न सिन्हा तो नजर आएंगे, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा का कोई भी सीन साथ नहीं होगा। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म के मेकर से रिक्वेस्ट की है कि वो फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे बदलाव करे कि कम से कम एक सीन उनका सोनाक्षी के साथ हो। सोर्सेज की माने तो नरगिस फाखरी ने लगभग एक साल के बाद एक फिल्म साइन कर ली है। कहा जा रहा है कि नरगिस जॉन इब्राहिम के ऑपोजिट फिल्म हेरा फेरी 3 में नजर आ सकती हैं। हम आपको बता दें कि अपने एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट की वजह से नरगिस कई फिल्मों को इनकार कर चुकी हैं। The dance reality show Nach Baliye is much in news as the makers are facing a tough time getting a judge for the show. Watch who is on the list to approach. सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो नच बलिया के नेक्स्ट सीजन में आपको दिख सकते हैं कुछ ऐसे फेसेस जो अब तक कभी नहीं दिखे। जी हाँ, एज अ जज चेतन भगत को इस शो के लिए कंफर्म किया जा चुका है, लेकिन बाकी जजेस का नाम अब तक रिवील नहीं किया गया है। पर अब जूम को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसके लिए प्रीति जिंटा और विद्या बालन को अप्रोच किया गया है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस ऑफर को ये दोनों एक्ट्रेसेस एक्सेप्ट कर ले। इस रियलिटी शो को इससे पहले शिल्पा शेट्टी जज करती आई है, लेकिन इस शो के मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस करने का फैसला कर लिया है, और तभी से कई सेलिब्रिटीज के नाम इस शो की जज पोजीशन के लिए सामने आ चुके हैं। सोर्सेज का कहना है एकता कपूर चाहती है कि विद्या बालन इस शो का हिस्सा जरूर बने, और यही वजह है कि उन्होंने पर्सनली विद्या से बात की है, और कहा जा रहा है विद्या इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड है। वैसे अब तक ना तो प्रीति और ना ही विद्या को लेकर किसी भी तरह की कॉन्फर्मेशन आई है, ऐसे में अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली इस शो के लिए किन सेलिब्रिटीज को फाइनल किया जाता है। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई।
Now, Mr. Perfectionist apologized to the Southern star Kamal Hassan. We will tell you why. आमिर खान ने कमल हासन से मांगी माफी। जी हाँ, रिसेंटली फिकी के इवेंट पर पहुँचे आमिर खान ने पूरी मीडिया और पब्लिक के सामने कमल हासन से मांगी माफी, और माफी मांगने की वजह के बारे में खुद आमिर ने बताया। It's really unfortunate and I feel ashamed, Mr. Hassan, to say that, you know, at that time I was lost in my work. But as an industry, this is the time that we have to come together and stand by each other. And I want to apologize to you publicly that I didn't. I wasn't there at that time. I read about it later and I felt so bad. I felt so bad that you had to go through that and you know, we were not there with you. It's really unfortunate. Well, जो माफी आमिर को कुछ सालों पहले मांगनी चाहिए थी, वो आमिर ने हाल ही में मांगी। आमिर खान को लगता है कि क्रिएटिविटी पर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, और कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम जब इस दौर से गुजर रही थी तो उनको कमल के सपोर्ट में आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आ पाए। आमिर खान एंड कमल हासन पहुंचे थे फिकी के इनॉग्रेशन इवेंट पर, और यहां आमिर ने काफी इंटरेस्टिंग बातें भी की। Each one of us as a creative person is free to make what we want. I don't have to make content which has something to offer to a society. I don't have to. I can just make you laugh. That's fine. That's also a good job in any case. Just entertaining people is a job in itself. So that's fine. But I'm just pointing out that that's what we could do. चलिए आमिर, देर से ही सही, we hope आपकी इस बात का असर इंडस्ट्री पर भी पड़े और आगे से ऐसे इश्यूज पर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें। फचेतना सिंह, जूम, मुंबई। रणदीप हुड्डा ने रिसेंटली बैक टू बैक कई फिल्म साइन की है, और रिसेंटली जूम के साथ बात करते हुए रणदीप ने अपनी इन फिल्म्स के बारे में हमसे बात की। टेक अ लुक। रणदीप हुड्डा हमेशा अपने रोल के साथ करते हैं एक्सपेरिमेंट। फिलहाल रणदीप की आने वाली फिल्म मैं और चार्ल्स हैं काफी इंटरेस्टिंग, जिसमें रणदीप दिखेंगे एक अलग अवतार में, मगर उसके बाद भी एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो है फुल ऑन रोमांटिक। इसके बारे में खुद रणदीप ने जूम से एक्सक्लूसिवली की बात। क्या एक बहुत ही खूबसूरत पोएटिक म्यूजिकल लव स्टोरी है, एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर के और एक लड़की के बीच में, और ये पिक्चर इसको दीपक तिजोरी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत खूबसूरत गाने हैं जो कि मैंने सुने हैं, और अभी हम उसको अप्रैल और मई में जाके मलेशिया में शूट करने वाले हैं, और आई होप इट टर्न्स आउट वेल। वेल, रणदीप ने अपने इस न्यू प्रोजेक्ट के बारे में तो बताया, साथ ही कुछ ऐसा भी कहा जिससे रणदीप के फैंस हो सकते हैं काफी इम्प्रेस। कहा जाए तो इनडायरेक्टली रणदीप ने कहीं ना कहीं खुद को बॉलीवुड के ए लिस्टर, स्पेशली जो मुंबई के जुहू और बांद्रा एरिया में रहते हैं, उनसे खुद को अलग बताया। देखिए, उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आपका काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, और वो मेरी भी इच्छा है, मेरी भी वही इच्छा है। पर सबका तरीका अलग होता है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, और मेरी चॉइसेस अलग हैं। मैं रणदीप हुड्डा बनना चाहता हूँ, मैं और कोई एक्टर नहीं बनना चाहता। वी होप रणदीप आपके फैंस आपकी इस बात से इम्प्रेस हुए होंगे, और साथ ही इन फ्यूचर आपके और भी एक्सपेरिमेंट्स आपके फैंस को देखने को मिले। फचेतना सिंह, जूम, मुंबई। निमृत कौर लंच बॉक्स के बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म एयरलिफ्ट में नजर आने वाली है, और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए निमृत ने बताया उन्होंने इन फिल्म्स को क्यों साइन किया। द लंच बॉक्स फिल्म से फेमस हुई एक्ट्रेस निमृत कौर इज नॉट ओनली इन डिमांड इन इंडिया बट ऑल्सो एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बट रिसेंटली द एक्ट्रेस वॉज साइंड ऑपोजिट अक्षय कुमार इन एयरलिफ्ट, और इस फिल्म के बारे में हमने जाना खुद निमृत से इन एन एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन विद अस। It's a real story. It's a true story. So it starts with being a real story where we're all playing real people, and Mr. Akshay Kumar will be seen playing a real character, and that is very exciting. Given the framework of the film being commercial, in the sense that, you know, it's the canvas of the film or the pitch of the film, but it's a real gritty story and with a massive canvas. So it's got a beautiful combination of a human drama, you know, that you see starting with a disaster and how they, you know, deal with that situation traveling forward. That's an interesting take on the film story. But talking about your co-star Akshay Kumar, what you have to say about him? He's been really warm and generous. Okay. It just, I mean, he's so easy with everyone. Just to watch him,
it's such a learning curve, you know, because him being the superstar that he is and all of that, he's so humble and generous to work with and such a great sense of humor. He's always got everyone laughing on the sets, and that's incredible. His energy is incredible. Well, that's a good thing to hear about Akshay Kumar, who's famously known as the prankster on the sets. Sunne mein ye bhi aaya tha ki apparently Nimrit refused to do item numbers. Let's know from her about this rumor. Oh no, not at all. I've not had the opportunity to say, oh no item numbers, no, none of that. That simply means that if Nimrit gets a chance to do an item number, she won't say a no. So chaliye, निम्रत के इस नए अंदाज को देखने के लिए भी हम इंतजार करेंगे। फरुद्रानी चटराज, Zoom, मुंबई। कल रात सिद्धार्थ मल्होत्रा और जीनू मोरिया को हमने स्पॉट किया एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर। टेक अ लुक। कल रात हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को कैप्चर किया एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर। बट व्हेन द मीडिया ट्राइड इंटरैक्टिंग विद द एक्टर, दिस वाज हिज रिएक्शन। फिल्म कौन सी थी और कैसी लगी, बस और कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ कभी तो जवाब दे दो, सिद्धार्थ हमेशा भागते हो। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ के मीडिया से बात न करने की गुजारिश की इन्हें साइन लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड, आल्सो कैप्चर्ड हियर वर डीनो मोरिया विद हिज गर्लफ्रेंड नमिता मथाने। और जब उनसे हमने इस फिल्म पर सवाल पूछा तो देखिए डीनो ने कैसे स्वीटी रिएक्ट किया। Kingsman. Well, the young stud Siddharth should learn something from Dino Moriya. So when the next time media meets him, he does not shoo them away and rather chooses to interact. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.